हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एसोसिएशन हिस्टेट के एपिसोड पार्ट 6 में। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज का बैटल होने वाला है गाइस एसोसिएशन जीवानी का, समझ रहे हो ना गाइस। तो वीडियो पूरा देखना और गाइस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यार बहुत मन लगता है वीडियो बनाने में। और गाइस आज की वीडियो में हमारे मदद करने वाले हैं गाइस हमारे दोस्त एनिमी क्लैश, जाके उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस एस वर्सेस पॉकेट मास्टर के एपिसोड पार्ट 5 में एस ने रेड को हरा लिया था, तभी एस बोलता है फाइनली आज मेरा पॉकेट मास्टर का सपना पूरा हुआ। तभी रेड बोलता है क्या अभी तुम पॉकेट मास्टर नहीं बने हो? तभी एस बोलता है दुनिया के सबसे बड़े पॉकेट मास्टर तो तुम थे और आज मैंने तुमको हरा लिया, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर बन गया। तभी रेड बोलता है क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर नहीं हुआ? तभी एस बोलता है तब दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर कौन है? और तभी रेड बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर टीम रॉकेट का बॉस जीवानी है। तभी एस बोलता है क्या टीम रॉकेट का बॉस जीवानी है दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर? तब तो बाइस ने मुझको क्यों बताया था कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर? तभी रेड बोलता है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पॉकेट मास्टर टीम रॉकेट का बॉस जीवानी है। और तभी एस बोलता है मुझे जीवानी किधर मिलेगा, क्योंकि मुझे जीवानी को हरा के अपना पॉकेट मास्टर का सपना जल्दी पूरा करना है। तभी रेड बोलता है तुम्हें जीवानी से बैटल करने के लिए सबसे पहले मुझको हराना पड़ेगा, जो कि तुमने मुझे हरा लिया। मैं तुमको एक बैच दूंगा जिससे तुम मल्टीवर्स कोरोनेशन सीरीज में हिस्सा लेके तुम जीवानी से बैटल करके जीवानी को हरा सकते। और तभी एस बोलता है रेड मुझको वो बैच दो, क्योंकि मुझको मल्टीवर्स कोरोनेशन सीरीज में हिस्सा लेके जल्दी से जीवानी को हराना है और अपना पॉकेट मास्टर का सपना पूरा करना है। तभी रेड उसको वो बैच देता है और तभी एस चल पड़ता है अपने होम पैलेंट की और अपनी बेस्ट टीम चॉइस करने के लिए। और तभी एस पहुंच जाता है अपने होम पैलेंट टाउन और तभी एस जाता है प्रोफेसर ओक के कैबिन में। प्रोफेसर ओक को बोलता है तभी एस बोलता है प्रोफेसर ओक आज मैंने रेड को हरा लिया और मेरे पास एक जिम बैच आ गया और मुझको अभी पॉकेट मास्टर बनने के लिए टीम रॉकेट के बॉस जीवानी को हराना पड़ेगा और आप मेरे सारे पॉकेट निकाल दो, क्योंकि मुझको अपनी बेस्ट टीम चॉइस करनी है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ एस मैं जरूर तुम्हारी पॉकेट निकालता हूँ, तुम इस बार जीवानी को हरा के अपना पॉकेट मास्टर का सपना जल्दी पूरा कर लो। और तभी प्रोफेसर ओक एस के सारे पॉकेट निकाल देते हैं और तभी एस अपनी बेस्ट टीम चॉइस करने लगता है, जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेमॉन रहता है लुकारियो, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता था। जो दूसरा पोकेमॉन रहता था उसका द लेजेंडरी पोकेमॉन चार्जर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और जो तीसरा पोकेमॉन द लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू। और तभी एस अपनी बेस्ट टीम चॉइस करके चल पड़ता है मल्टीवर्स कोरोनेशन सीरीज की ओर और तभी एस पहुंच जाता है मल्टीवर्स कोरोनेशन सीरीज की ओर। और तभी एस को पता चलता है कि एस और जीवानी का बैटल होगा 2 दिन बाद और तभी एस वहां अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग कराने लगता है, जैसे कि लुकारियो को बहुत सारे न्यू मूव सिखाता है, जैसे कि ऑरा स्फीयर हो गया और बहुत सारे अटैक सिखाता है, वहीं चार्जर को भी बहुत सारे अटैक सिखाता है, फ्लेम थ्रोअर हो गया, फायर स्पिन हो गया और बहुत सारे न्यू अटैक सिखाता है, और वहीं तीसरे पोकेमॉन पिकाचू को भी बहुत सारे मूव सिखाता है और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। और तभी 2 दिन हो जाते हैं और तभी मल्टीवर्स कोरोनेशन सीरीज के स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि एस वर्सेस जीवानी का बैटल स्टार्ट होने वाला है। और तभी एस स्टेडियम में पहुंच जाता है और तभी जीवानी भी स्टेडियम में आ जाता है और तभी एस बोलता है जीवानी मैं तुमको हरा के अपना पॉकेट मास्टर का सपना पूरा करूंगा। और तभी जीवानी बोलता है एस बैटल के बाद पता चल जाएगा कि कौन बनता है पॉकेट मास्टर और कौन पॉकेट मास्टर नहीं बनता है। और तभी स्टेडियम में रेफरी आता है और रेफरी बोलता है ये बैटल होगा 3v3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का, जिसमें आप दोनों कोई भी फिनोमेनास यूज कर सकते हो। और तभी एस बोलता है हाँ रेफरी मुझको ये बैटल एक्सपेक्ट है। और तभी जीवानी बोलता है हाँ मुझको भी ये बैटल एक्सपेक्ट है। और तभी एस अपनी बेस्ट टीम चॉइस करने लगता है, जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कि उसका लुकारियो, जो कि मेगा इवॉल्व में बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जो उसका दूसरा पोकेमॉन द लेजेंडरी चार्जर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो एस का तीसरा पोकेमॉन रहता है लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी जीवानी भी अपनी बेस्ट टीम चॉइस करता है, जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहता है द लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जीवानी का दूसरा पोकेमॉन रहता है द लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिगन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो उसका तीसरा पोकेमॉन रहता है द लेजेंडरी पोकेमॉन मॉल्ट्रेस जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जीवानी भी अपनी बेस्ट टीम चॉइस कर लेता है। तभी स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि एस और जीवानी का बैटल स्टार्ट होता है और तभी एस अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लुकारियो को भेजता है लुकारियो जाओ, तभी लुकारियो जाता है। तभी जीवानी भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन म्यूटू को भेजता है म्यूटू जाओ, तभी म्यूटू भी जाता है। और तभी एस बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से ऑरा स्फीयर का यूज करो, तभी लुकारियो फुली पावर से ऑरा स्फीयर का यूज करता है जो कि जाकर लग जाता है म्यूटू को, बट ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तभी जीवानी भी बोलता है म्यूटू तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से शैडो बल का यूज करो, तभी म्यूटू भी फुली पावर से शैडो बल का यूज करते हैं जो कि जाकर लग जाता है लुकारियो को, लुकारियो को इफेक्टिव कर देता है। और तभी एस बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से बोनस का यूज करो, तभी लुकारियो फुली पावर से बोनस का यूज करता है जो कि जाकर लग जाता है म्यूटू को भी इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम उसके ऊपर फुली पावर से डार्क बोल का यूज करो, तभी म्यूटू फुली पावर से डार्क बोल का यूज करते जो कि जाकर लग जाता है लुकारियो को इफेक्टिव कर देता है। और तभी एस बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से काउंटर स्मैश का यूज करो, तभी लुकारियो फुली पावर से काउंटर स्मैश यूज करता है जो कि जाकर लग जाता है म्यूटू को इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम उसके ऊपर फुली पावर से शैडो बल का यूज करो, तभी म्यूटू फुली पावर से शैडो बल का यूज करते जो कि जाकर लग जाता है लुकारियो को इफेक्टिव कर देता है। तभी एस बोलता है लुकारियो चलो वो बहुत हुआ टाइम बस अब चलो बैटल को खत्म किया जाओ, तभी एस बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से ऑरा स्फीयर का यूज करो, तभी लुकारियो फुली पावर से ऑरा स्फीयर का यूज करता है। तभी जीवानी भी बोलता है म्यूटू चलो बहुत हुआ टाइम बस अब तुम भी अपना सबसे सुपर पावर मूव अटैक का यूज करो, तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम उसके ऊपर फुली पावर से साइको स्ट्राइक का यूज करो, तभी म्यूटू फुली पावर से साइको स्ट्राइक का यूज करती है और ये दोनों अटैक एक दूसरे को जाकर टकरा जाते हैं। ऊपर स्टेडियम में धुआं हो जाता है और तभी जब स्टेडियम में से धुआं हटता है तभी दिखता है कि लुकारियो फुली डैमेज रहता है, जिसको देख के एस शॉक हो जाता है। और तभी एस बोलता है लुकारियो तुम अभी नहीं जा सकते
थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तभी ऐश बोलता है लुकारियो चलो टाइम आ चुका है कि तुम मेगा एल्फ ले लो। तभी ऐश लुकारियो का फुली पावर में मेगा एल्फ करता है। तभी ऐश का लुकारियो फुली पावर में मेगा एल्फ हो जाता है, जिसको देख के जीवानी शॉक हो जाता है कि ऐश का लुकारियो डैमेज के बाद भी मेगा एल्फ हो गया। तभी ऐश बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से बोनस का यूज करो। तभी लुकारियो फुली पावर से बोनस का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है म्यूटू को, म्यूटू को सीधा इफेक्टिव कर देता है। तभी जीवानी बोलता है म्यूटू चलो तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से शैडो बॉल का यूज करो। तभी म्यूटू भी फुली पावर से शैडो बॉल का यूज करते, जो कि जाकर लग जाता है लुकारियो का, लुकारियो का इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है लुकारियो चलो तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से काउंटर स्मैश का यूज करो। तभी लुकारियो फुली पावर से काउंटर स्मैश का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा म्यूटू के टैकले पे, उसको इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू चलो उसके ऊपर तुम भी फुली पावर से साइकिक पावर का यूज करो। तभी म्यूटू फुली पावर से साइकिक पावर का यूज करते, जिसको जाकर लग जाता है लुकारियो का, लुकारियो का इफेक्टिव कर देता है, जिससे लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है। और तभी ऐश बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से पावर पंच का यूज करो। तभी लुकारियो फुली पावर से पावर पंच का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा म्यूटू को, म्यूटू को थोड़ा इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू चलो उसके ऊपर तुम फुली पावर से साइकिक पावर का यूज करो। तभी म्यूटू फुली पावर से साइकिक पावर का यूज करते, जो कि जाकर लग जाता है लुकारियो को, और लुकारियो को इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है लुकारियो तुम उसके ऊपर फुली पावर से काउंटर स्मैश का यूज करो। तभी लुकारियो फुली पावर से काउंटर स्मैश का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है म्यूटू को, म्यूटू को इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू चलो तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से डार्क पल्स का यूज करो। तभी म्यूटू फुली पावर से डार्क पल्स का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा लुकारियो को, लुकारियो को इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है लुकारियो चलो बहुत तो टाइम पास, आप चलो इस बैटल को खत्म किया जाए, मतलब म्यूटू को ही खत्म किया दिया जाए। तभी ऐश बोलता है लुकारियो चलो उसके ऊपर तुम फुली पावर से ऑरस पेयर का यूज करो। तभी लुकारियो फुली पावर से ऑरस पेयर को जनरेट करता है। तभी जीवानी भी बोलता है म्यूटू चलो टाइम आ चुका है कि तुम भी अपना सबसे सुपर रॉ मूव का यूज करो। तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम उसके ऊपर फुली पावर से साइको स्ट्राइक का यूज करो। तभी म्यूटू फुली पावर से साइको स्ट्राइक का यूज करती है, ये दोनों अटैक एक दूसरे को जाकर टकराता है। तभी मल्टीवर्स कॉन्वेंशन सीरीज के स्टेडियम में पूरा धुआं धुआं हो जाता है, और जब भी धुआं हटता है तभी दिखता है कि मेगा लुकारियो फुली डैमेज होता है, मतलब ऐश का मेगा लुकारियो फुली डैमेज होता है, जिसको ऐश देख के शॉक हो जाता है। तभी ऐश बोलता है लुकारियो वापस आओ, तुमने बहुत ही अच्छा बैटल किया, अब जाओ चार्जर्ड, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम जीवानी के म्यूटू को हरा क्या होगा। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड उसके ऊपर तुम फुली पावर से फ्लेम थ्रोर का यूज करो। तभी चार्जर्ड फुली पावर से फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है जीवानी के म्यूटू को, जीवानी के म्यूटू को डैमेज कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम उसके ऊपर फुली पावर से शैडो बॉल का यूज करो। तभी म्यूटू फुली पावर से शैडो बॉल का यूज करती है, जो कि जाकर लग जाता है चार्जर्ड को, चार्जर्ड को इफेक्टिव कर देता है। और तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। तभी चार्जर्ड फुली पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा म्यूटू को, म्यूटू को इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से शैडो बॉल का यूज करो। तभी म्यूटू भी फुली पावर से शैडो बॉल का यूज करते, जो कि जाकर लग जाता है चार्जर्ड को, चार्जर्ड को भी इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से फायर पंच का यूज करो। तभी चार्जर्ड फुली पावर से फायर पंच का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा म्यूटू को इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से साइकिक अटैक का यूज करो। तभी म्यूटू भी फुली पावर से साइकिक अटैक का यूज करती है, जो कि जाकर लग जाता है चार्जर्ड को, चार्जर्ड को भी इफेक्टिव कर देता है। और तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड चलो अब टाइम आ चुका है कि इस बैटल को खत्म कर जाओ। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड चलो तुम फुली पावर से इसके ऊपर फायर स्पिन का यूज करो। तभी चार्जर्ड फुली पावर से फायर स्पिन का यूज करता है। तभी जीवानी बोलता है म्यूटू तुम भी अपना सबसे सुपर अटैक साइको स्ट्राइक का यूज करो। तभी म्यूटू भी फुली पावर से साइको स्ट्राइक का यूज करते, दोनों अटैक जाके एक दूसरे को जाके भिड़ जाते हैं। और तभी पूरा स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है, जब भी स्टेडियम से धुआं हटता है तभी दिखता है कि म्यूटू फुली डैमेज होता है। तभी ऐसे बोलता है वाह चार्जर्ड तुमने म्यूटू को हरा के मेरा काम इजी कर दिया, मैं जीवानी को हरा के पॉकेट मास्टर का सपना जल्दी पूरा करूंगा। तभी जीवानी बोलता है क्या मैंने अभी बस म्यूटू को हराया, आप लोग भिड़ो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, जाओ आर्टिकुनो। तभी आर्टिकुनो जाता है। तभी ऐसे बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से फ्लेम थ्रोर का यूज करो। चार्जर्ड फुली पावर से फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है आर्टिकुनो को, और आर्टिकुनो का इफेक्टिव कर देता है। तभी जीवानी भी बोलता है आर्टिकुनो तुम भी उसके ऊपर फुली पावर से आइस बीम का यूज करो। तभी आर्टिकुनो भी फुली पावर से आइस बीम का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है चार्जर्ड को, चार्जर्ड को लग जाता है उसको इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से एक फायर पंच का यूज करो। तब चार्जर्ड फुली पावर से फायर पंच का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा आर्टिकुनो को, और आर्टिकुनो का इफेक्टिव कर देता है। और तभी जीवानी बोलता है आर्टिकुनो तुम उसके ऊपर फुली पावर से डार्क पल्स का यूज करो। तभी आर्टिकुनो फुली पावर से डार्क पल्स का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा चार्जर्ड को इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। तब चार्जर्ड फुली पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा आर्टिकुनो को, और आर्टिकुनो को इफेक्टिव कर देता है। तभी जीवानी बोलता है आर्टिकुनो तुम उसके ऊपर फुली पावर से आइस बीम का यूज करो। तभी आर्टिकुनो फुली पावर से आइस बीम का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है चार्जर्ड को इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से टैकल अटैक का यूज करो। तभी चार्जर्ड फुली पावर से टैकल अटैक का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा आर्टिकुनो को, और आर्टिकुनो को धरती भी गिरा देता है। तभी जीवानी बोलता है आर्टिकुनो उठो। और तभी जीवानी बोलता है आर्टिकुनो तुम उसके ऊपर फुली पावर से आइस बीम का यूज करो। तभी आर्टिकुनो फुली पावर से आइस बीम का यूज करता है, जो कि जाकर लग जाता है सीधा चार्जर्ड को इफेक्टिव कर देता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड चलो टाइम आ चुका है कि इस बैटल को खत्म किया जाए। और तभी ऐसे बोलता है चार्जर्ड तुम उसके ऊपर फुली पावर से फायर स्पिन का यूज करो। तभी चार्जर्ड फुली पावर से फायर स्पिन जनरेट करता है। और तभी वहाँ जीवानी बोलता है आर्टिकुनो तुम भी अपना सबसे सुपर वाला मूव का अटैक का यूज करो। तभी जीवानी बोलता है आर्टिकुनो तुम उसके ऊपर फुली पावर से फ्रीजिंग ब्लेजर का यूज करो। तभी आर्टिकुनो फुली पावर से फ्रीजिंग ब्लेजर का यूज करता है, और ये अटैक एक दूसरे को जाकर टकरा जाता है। तभी स्टेडियम में पूरा धुआं धुआं हो जाता है, जब स्टेडियम में से धुआं उठता है तभी दिखता है कि
जवानी का आर्टिकनो फुली डैमेज रहता है, जिसको ऐश देख के खुश रहता है, बोलता है वाह चार यार तुमने मीटू को भी हराया और आर्टिकनो को भी हराया। तभी जियो बानी अपने आर्टिकनो को वापस बुला लेता है और कहता है ऐश सच में तुम्हारा चार्जर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐश अगर तुम्हें आग से खेलना है तो यही सही, चलो बाहर आओ मॉल्ट्रेस से अपना कमाल दिखाओ। एंड तभी ऐश कहता है चार्जर क्या तुम इस फाइट को आगे लड़ना चाहते हो। चार्जर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था लेकिन वो तब भी बैटल के लिए तैयार खड़ा था। तभी ऐश कहता बहुत बढ़िया चार्जर, चलो चार्जर से अपना फ्लेम थ्रोर दिखाओ। एंड तभी चार्जर फ्लेम थ्रोर सीधा मॉल्ट्रेस की ओर मारता है। एंड तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चलो तुम भी अपना फ्लेम थ्रोर दिखाओ। एंड तभी मॉल्ट्रेस भी अपना फ्लेम थ्रोर चार्जर की ओर मारता है और ये दोनों ही फ्लेम थ्रोर आपस में टकरा जाते हैं। जो मॉल्ट्रेस का फ्लेम थ्रोर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन जैसे तैसे चार्जर भी उसे हैंडल कर लेता है। चार्जर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था एंड उसके अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहे थे। तभी ऐश जो था कहता है चार्जर चलो जाओ ड्रैगन क्लॉ दिखाओ। एंड तभी चार्जर पूरी स्पीड के साथ मॉल्ट्रेस की ओर बढ़ता है। एंड तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चले जाओ एयर स्लैश से उसे काउंटर करो। एंड तभी जो मॉल्ट्रेस होता है अपना एयर स्लैश लगातार चार्जर के ऊपर मारने लग जाता है, लेकिन चार्जर अपना ड्रैगन क्लोज लगातार उसे काउंटर कर रहा था एंड बिल्कुल ही मॉल्ट्रेस के क्लोज चला जाता है। और फिर तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चले जाओ इसे अपना फायर ब्लास्ट दिखाओ। एंड चार्जर मॉल्ट्रेस के करीब होने के कारण उस पर सीधा फायर ब्लास्ट लग जाता है, जिससे कि चार्जर सीधे ज़मीन पर आ गिरता है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। एंड तभी जो ऐश होता है काफ़ी ज़्यादा हौसला देता है चार्जर को। एंड चार्जर जो होता है फिर से बैटरी ले उठ खड़ा होता है। तभी ऐश कहता है चार्जर चलो तुम भी अपना फायर ब्लास्ट दिखाओ। एंड तभी चार्जर जोरदार फायर ब्लास्ट मॉल्ट्रेस की ओर मारता है। एंड तभी जियोवानी हंसता है कहता है मॉल्ट्रेस इससे अपनी पावर तो दिखाओ। एंड तभी मॉल्ट्रेस कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे खड़ा हो जाता है। एंड जैसे ही फायर ब्लास्ट मॉल्ट्रेस को लगता है मॉल्ट्रेस एकदम से अपनी पंख को हिलाता है, जिससे कि फायर ब्लास्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐश थोड़ा सा चौंक चुका था। तभी जो होता है जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चलो जाओ अपना ओवरहीट दिखाओ। एंड तभी जो मॉल्ट्रेस अपना ओवरहीट से चार्जर की ओर मारता है। तभी ऐश कहता है चार्जर चलो जाओ फुल पावर के साथ अपना फ्लेम चार्ज अटैक यूज़ करो। एंड तभी चार्जर पूरी ताकत के साथ फ्लेम चार्ज अटैक यूज़ करता है और जो मॉल्ट्रेस का ओवरहीट था एंड ऐश का चार्जर का फ्लेम चार्ज आपस में टकरा जाते हैं। ऐश का चार्जर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उस ओवरहीट को रोकने की, लेकिन ऐश के चार्जर के ऊपर मॉल्ट्रेस का ओवरहीट काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टेड पड़ता है और चार्जर सीधा ज़मीन पर आ गिरता है। और जैसे ही ऐश दिखता है कि चार्जर हार जाता है, तभी ऐश अपने चार्जर को पोकेबॉल में वापस बुलाता कहता है बहुत अच्छे चार्जर तुमने काफ़ी अच्छी टक्कर दी अब तुम आराम करो। और तभी जियोवानी कहता है तो ऐश कैसा लगा तुम्हारे मेरे मॉल्ट्रेस की पावर। तभी ऐश कहता है जियोवानी रुको अब तुम मेरे पार्टनर की पावर देखो पिकाचू चलो मैं तुम्हें चुनता हूँ। एंड तभी बैटल फील्ड में आ जाता है पिकाचू। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो जाओ इसे अपनी स्पीड दिखाओ। एंड तभी पिकाचू अपना क्विक अटैक यूज़ करने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ मॉल्ट्रेस की ओर बढ़ता है। एंड तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चलो जाओ अपना एयर स्लैश से पिकाचू को रोको। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो जाओ अपना इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज़ करो। एंड तभी पिकाचू अपना इलेक्ट्रो बॉल सीधा मॉल्ट्रेस की ओर मारता है, जिससे कि जो मॉल्ट्रेस का एयर स्लैश को काउंटर कर देता है। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो जाओ आई एंटेल अटैक यूज़ करो। तभी पिकाचू काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ मॉल्ट्रेस को ऊपर जाता है एंड जोरदार आई एंटेल मॉल्ट्रेस को मारता है, जिससे कि मॉल्ट्रेस को कुछ ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन मॉल्ट्रेस जो था गुस्से में आ जाता है। एंड तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चल जाओ उसे अपना फायर ब्लास्ट दिखाओ। एंड तभी मॉल्ट्रेस जोरदार फायर ब्लास्ट पिकाचू की ओर मारता है। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो जाओ अपना इलेक्ट्रो वेब अटैक यूज़ करो। मॉल्ट्रेस का फायर ब्लास्ट पिकाचू के इलेक्ट्रो वेब में जाके काउंटर हो जाता है। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चल जाओ अपनी फुल स्पीड के साथ जाओ और फिर अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करो। एंड तभी पिकाचू पूरी स्पीड के साथ मॉल्ट्रेस की जाता है और अपना जोरदार थंडरबोल्ट सीधा मॉल्ट्रेस की ओर मारता है। एंड तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस जाओ फ्लेम थ्रोर अटैक से काउंटर करो। एंड तभी मॉल्ट्रेस अपने फ्लेम थ्रोर से पिकाचू के थंडरबोल्ट को काउंटर कर देता है, जिससे कि पूरे पूरे स्टेडियम में धुआं सा फैल जाता है। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू अभी। एंड तभी पिकाचू धुएं से सीधे जाता है और मॉल्ट्रेस के ऊपर से अपना जोर से आयन टेल मारता है और ये आयन टेल इतनी जोरदार पड़ता है मॉल्ट्रेस को कि मॉल्ट्रेस जमीन पर आ गिरता है। जियोवानी ऐश की चाल देख काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है ऐश सच में तुम्हारा ये मूव तो कमाल का था, लेकिन ऐश अगर तुम्हें मेरे मॉल्ट्रेस को रहना था तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर करना होगा। एंड तभी जो जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चलो जाओ। एंड तभी मॉल्ट्रेस फिर से हवा में आ जाता है और तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चलो जाओ इसे अपना ओवरहीट अटैक फिर से दिखाओ। एंड तभी मॉल्ट्रेस ओवरहीट सीधा पिकाचू की ओर मारता है। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू अपनी पूरी ताकत से बोल्ट टैकल अटैक यूज़ करो। एंड तभी पिकाचू अपनी पूरी ताकत के साथ मॉल्ट्रेस की ओर बढ़ने लग जाता है। एंड तभी मॉल्ट्रेस अपना ओवरहीट की जो पावर और ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन पिकाचू भी कुछ कम नहीं था। एंड पिकाचू अपनी पूरी पावर के साथ पिका पिका बोलते हुए अपना जो बोल्ट टैकल अटैक था बढ़ रहा था एंड वो मॉल्ट्रेस के ओवरहीट को बीच में से फाड़ रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा था। एंड तभी एक टाइम पिकाचू का जो बॉल टैकला से मॉल्ट्रेस को जा लगता है, जिससे कि मॉल्ट्रेस इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि सीधा फिर से ज़मीन पे आ गिरता है। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चल जाओ थंडर बॉल अटैक यूज़ करो। एंड तभी पिकाचू मॉल्ट्रेस उठने से पहले अपना जोर देता थंडर बॉल से मॉल्ट्रेस के ऊपर मारता है, जिससे कि मॉल्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी मॉल्ट्रेस हारने वाला नहीं तो फिर से बैटल उठ खड़ा होता है। एंड तभी जियोवानी कहता है मॉल्ट्रेस चलो जाओ इसे अपना एयर स्लैश अटैक दिखाओ। एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू क्विक अटैक से बचो, लेकिन मॉल्ट्रेस का एयर
स्लैश इतना ज्यादा तेज था को पिकाचू के क्विक अटैक को भी पार कर देता है एंड कुछ एयर स्लैश ज्यादा पिकाचू को जा लगते हैं जिससे कि पिकाचू भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव यूज़ कर रहे थे एंड दोनों ही हार मारने के मूड में नहीं थे। ऐश का पिकाचू लगातार जो था काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जियोवानी के मोर्टिस के ऊपर मार रहा था एंड तभी जो ऐश कहता है पिकाचू पूरी ताकत के साथ फिर से तुम अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करो एंड तभी पिकाचू पूरी स्ट्रेंथ के साथ थंडरबोल्ट सीधा मोल्ट्रेस की ओर मारता है एंड तभी जियोवानी कहता है मोल्ट्रेस चलो जाओ फ्लेम थ्रो से काउंटर करो एंड तभी जो मोल्ट्रेस था फ्लेम थ्रो से ऐश के पिकाचू के थंडरबोल्ट को काउंटर करने लग जाता है एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो जाओ आयरन टेल एंड तभी पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करते ही टाइम अपना आयरन टेल सीधा मोल्ट्रेस की ओर मारता है। तभी जियोवानी उसे बचने के लिए मोल्ट्रेस कहता है मोल्ट्रेस बचो लेकिन पिकाचू की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसका थंडरबोल्ट के बीच में से आयरन टेल सीधा मोल्ट्रेस को लग जाता है जिससे कि मोल्ट्रेस जमीन पे आ गिरता है। तभी जियोवानी कहता है मोल्ट्रेस जलाओ फायर ब्लास्ट अटैक यूज करो एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो बचो एंड तभी पिकाचू अपने क्विक अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन मोल्ट्रेस का फायर ब्लास्ट फिर से पिकाचू को लग जाता है और इतनी जोरदार तक पिकाचू काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था एंड तभी ऐश जो था अपना फाइनल मूव यूज करने के लिए पिकाचू को अपनी ओर बुलाता है और तभी जो ऐश होता है पिकाचू को अपना कैप देता है और कहता है पिकाचू क्या तुम तैयार हो एंड तभी जियोवानी भी समझ जाता है कि ऐश अपना जेड मूव यूज़ करने वाला है एंड तभी जियोवानी भी अपना क्रिस्टल बाहर निकालता है और अपने मोल्ट्रेस के साथ अपना जेड मूव करने के लिए तैयार हो जाता है एंड तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो 10 मिलियन थंडर बोल्ड एंड तभी पिकाचू अपना 10 मिलियन थंडर बोल्ड सीधा मोल्ट्रेस की ओर मारता है लेकिन मोल्ट्रेस अपना जी मूव इन्फर्नो ओवरड्राइव यूज़ कर देता है और ये दोनों ही जी मूव आपस में टकरा जाते हैं। इन्फर्नो ओवरड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था पिकाचू के 10 मिलियन थंडर बोल्ड को काउंटर कर रहा था लेकिन तभी ऐश कहता है पिकाचू एंड तभी पिकाचू अपनी पूरी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है और वो मोल्ट्रेस के इन्फर्नो ओवरड्राइव को सरपास कर देता है और पिकाचू का 10 मिलियन थंडरबोल्ट सीधा इन मोल्ट्रेस को जा लगता है और ये इतना पावरफुल मूव था जिससे कि मोल्ट्रेस सीधा जमीन पे आ गिरता है एंड काफ़ी सारा धुआं सा फैल जाता है स्टेडियम में और जैसे ही धुआं हटता था हम देखते हैं कि मोल्ट्रेस हार जाता है और जो ऐश और उसकी टीम यानी कि पिकाचू जीत जाता है एंड तभी जियोवानी अपने मोल्ट्रेस को अपने पोकेबॉल वापस बुला लेता है और कहता है ऐश सच में ये वाला बैटल तो कमाल का था। और तभी रेफरी आता है और बोलता है इस मैच का विनर है ऐश क्योंकि जियोवानी के सारे पोकेमोन घायल हो चुके हैं और तभी ऐश खुश होकर बोलता है फाइनली आज मेरा पोकेमोन मास्टर का समय पूरा हो गया आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर बन गया। और तभी जियोवानी बोलता है क्या अभी तुम दुनिया के सबसे बड़े पोकेमोन मास्टर नहीं बने और तभी ऐश बोलता है दुनिया के सबसे बड़े पोकेमोन मास्टर तो तुम थे और आज मैंने तुमको हरा लिया इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर बन गया। और तभी जियोवानी बोलता है नहीं मैं दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर नहीं था तुमको ऐसा किसने बोला। तभी और तभी ऐश बोलता है रेड ने मुझको बोला था कि दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी है। तभी जियोवानी बोलता है नहीं मैं दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर नहीं हूँ मेरी तो बस एक मास्टर रैंकिंग होती है। तभी ऐश बोलता है क्या तुमको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर कौन है। तभी जियोवानी बोलता है नहीं मुझको तो नहीं पता है लेकिन तुम जाके प्रोफेसर लोग से पूछो प्रोफेसर लोग को इसके बारे में सब पता है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर कौन है। तभी ऐश बोलता है अच्छा क्या प्रोफेसर लोग को भी पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर कौन है तो उन्होंने मुझको क्यों नहीं बताया। तभी बोलता है जाके तुम पूछो उनको सब पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर कौन है। तो भी आज चल पड़ता है अपने होम पैलेंट डाउन की और अपनी और तभी आज पहुंच जाता है पैलेंट डाउन और तभी आज जाता है प्रोफेसर के कैबिन में प्रोफेसर को बोलता है प्रोफेसर रोग क्या आपको पता है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर कौन है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं तभी प्रोफेसर बोलते हैं हाँ ऐश मुझको इसके बारे में पता है मैंने तुमसे ये बात कई सालों से छुपा कर रखी है कि दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर और कोई नहीं जो कि तुम्हारे डैड है। तभी ऐश बोलते हैं क्या मेरे डैड दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर है और तभी प्रोफेसर बोलते हैं हाँ ऐश दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर तुम्हारे डैड ही है। और तभी ऐश बोलता है क्या प्रोफेसर आपको पता है कि मेरे डैड कहाँ मिलेंगे। तभी प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारे डैड मुझे पता नहीं कहाँ मिलेंगे लेकिन एक समय के लिए वो गए थे अलग डायमेंशन में एक बच्चे को बचाने के लिए और वहाँ से अभी तक लेआउट के नहीं आए हैं। तभी ऐश बोलता है अब मैं जाऊँगा अपने डैड के खोज के लिए और उनसे बैटल करके अपना पोकेमोन मास्टर का सपना जल्दी पूरा कर लूंगा और मुझे डैड से को हराने में और भी मजा आएगा क्योंकि अब डैड वर्सेस सन का बैटल होने वाला है। तभी ऐश चल पड़ता है अपने डैड को ढूंढने के लिए अलग डायमेंशन में। तभी ऐश पहुंचता है उस डायमेंशन में तभी उसको वहाँ मिलता है प्रोफेसर जो बोलता है तभी ऐश बोलता है प्रोफेसर क्या आपको पता है मेरे डैड एडमंड कहाँ है। तभी ऐश बोलता है और तभी प्रोफेसर बोलता है नहीं है ऐश वो तो चले गए हैं कोई अलग डायमेंशन में वहाँ आए थे एक बच्ची को बचाने के लिए लेकिन उनको डीएल का ओपालिका ने कोई अलग ही डायमेंशन में भेज दिया लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पता है। हाँ लेकिन एक है जिसको तुम उसके बारे में तुम डायमेंशन में जाके तुम ढूंढ सकते हो कौन से डायमेंशन में उसके लिए लेकिन तुम्हें डायमेंशन खोलने के लिए तुम्हें आर्जन से बैटल करना पड़ेगा और वो जो कि आप सबको तो पता है कि आर्जन को हराना नाम उनके यहाँ के जितने भी जिम लीडर हैं उनमें से तुमको सबको हरा के तभी तुम्हारे लिए एक स्पेशल डायमेंशन खुलेगा जिसमें तुम जाके अपने डैड को हेर सकते हो। और तभी प्रोफेसर बोलता है तभी ऐसा बोलता है हाँ मुझको मंजूर है मुझको अपने डैड को हेर के अपने पोकेमोन मास्टर के सपना जल्दी पूरा करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना है। तो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है ना भाई बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आप सबको तो पता है अभी ऐश के बैटल होंगे बहुत सारे न्यू ट्रेनर्स है उसमें मालूम है अगर लास्ट में अगर डायमेंशन खुल गया तो आपको देखने को मिल सकता है कि ऐश वर्सेस डैड का बैटल कैसा होने वाला है। इसलिए गाइस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए एकदम मतलब
टांग के रहो भाई, मतलब खुलेगा ना भाई नेक्स्ट पार्ट एकदम, मतलब मजा आ जाएगा गाइस, मतलब पूरा वीडियो देखना यार, बहुत मजा आने वाला गाइस। जो पार्ट हो 7 होने वाला ना भाई, बहुत मजा आएगा क्योंकि उसमें ऐश उसके डैड होने वाला है, मतलब ऐश आएगा अपने डैड के सामने और उसको चैलेंज देगा, मतलब समझ सकते हो ना भाई, मतलब डैड के, मतलब आपको देखने को मिलेंगे कि ऐश के डैड के पास कौन कौन से पोकेमोन है, मतलब कैसे कैसे पोकेमोन है, मतलब आपको सबका रिवल मिलेगा, जैसे कि उसका म्यूटू भी हो सकता है, उसका ब्लैक म्यूटू भी हो सकता है, क्योंकि यार बहुत सारे स्टोरी आपने लोगों ने सुन चुका है। लेकिन गाइस ये जो स्टोरी होने वाले ना ऐश उसके डैड के, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और बस मजे लेना। तो गाइस टाटा बाय बाय, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नेक्स्ट पार्ट एकदम अमेजिंग होने वाला गाइस, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या ऐश का कौन कौन सा पोकेमॉन रहने वाला है, जैसे कि उसका ग्रेनिंजा, चार्जर्ड और बहुत सारे पोकेमॉन, मतलब वो कौन सा उसका सोलगलियो भी आ सकता है। हाँ गाइस मतलब जो पार्ट 7 उसमें हम लोग को ज़्यादातर चांस है कि सोलगलियो आ जाए। तो गाइस आपको क्या लगता है, सोलगलियो को आना चाहिए ना ही आना चाहिए? तो गाइस आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको इसलिए मैं आपके लिए सोलगलियो ला दूंगा। ऐसा भी इतना ही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तो गाइस बाय।